कहना चाहेंगे, चाइना वाले ने जो सैटेलाइट छोड़ा है वो कितना नुकसानदायक है अपने देश के लिए और क्या उससे नुकसान हो सकता है? देखिए, जो चाइना ने सैटेलाइट छोड़ा है वो डिटेक्ट करने के लिए कि अर्थ के कभी भी क्विकली आ जाए तो उसको वो ट्रेस कर सकते हैं। पब्लिक को जो लाइफ को नुकसान होने वाला है उसको वो डिटेक्ट करके उनको आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो सैटेलाइट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है, कि ये सैटेलाइट कितना यूजफुल है, इससे हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की बाहरी सरफेस जो है पृथ्वी का, वो टेक्टानिक प्लेट से बना हुआ है, और ये टेक्टानिक प्लेट्स जो है इसमें हिडन फॉल्ट होता है, ये हमेशा मोल्टन रॉक्स पे फ्लोट होती है। ऑल ऑफ सडन कभी आप देखते हैं कि ये टेक्टानिक प्लेट जो है इसमें फास्ट मूवमेंट हो जाता है, कभी एक प्लेट नीचे दब गई कभी ऊपर आ गया, और इस तरह से वहाँ पे ज्वालामुखी फट जाता है और पृथ्वी में कंपन आ जाती है। ये टेक्टानिक प्लेट के मूवमेंट से कभी कभी ये ऑल ऑफ सडन गिरी तो पृथ्वी में उस भाग में पूरा कंपन आ जाएगा, और उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। अब ये सैटेलाइट से पॉसिबल कैसे है? क्योंकि सैटेलाइट जब स्पेस में छोड़ी जाती है तो ये जहाँ भी पृथ्वी की जहाँ बल्जिंग होती है या जहाँ डिप्स होता है उस डिप्स को डिटेक्ट करता है। पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको वो मॉनिटर होता है, यानी जैसे कहीं बल्जिंग हुई धीरे धीरे उभर रहा है भाग, कहीं पे खड्डा जैसा गिर रहा है, तो वो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी की बहुत ही हाई स्पीड है, और इस हाई स्पीड होने के कारण ये जो फॉल्ट वाली जगह है जहाँ टेक्टानिक प्लेट्स हैं इसमें मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट के कारण ऐसा होता है। तो ये डिटेक्ट हो जाता है सैटेलाइट से, पता चल जाता है कि पृथ्वी में अर्थक्वेक आने वाला है, और ऐसा जब उनको हो जाता है तो वो पब्लिक को उसको अवेयरनेस दे देते हैं। इससे कुछ नुकसान है भारत को आने वाले? तो इससे सैटेलाइट से आप नुकसान की जब बात करेंगे तो आप देखिए कि बहुत सारी सैटेलाइट स्पेस में घूम रही है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ना ही हमको कोई नुकसान होने वाला है इससे। आजकल ये तो अभी तो बहुत डेवलप हो गया है। अभी तो सैटेलाइट करीब करीब हर देश जो है इस बात को ये लेकर चल रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो अर्थक्वेक बार बार आता है इसको मॉनिटर करने के लिए ये सैटेलाइट सबसे बेस्ट टेक्निक है, तो इससे कोई भारत को नुकसान होने वाला नहीं है। भारत के पास भी इस तरह के कुछ सैटेलाइट है अभी तक कुछ बनाया या कुछ प्लानिंग के लिए ऐसा कुछ? हाँ, देखिए ये तो आप इसके लिए तो आप समझ लीजिए कि नासा को ये करना होगा, लेकिन नासा ने बहुत काफ़ी इसमें स्टडी किया है, नासा बहुत आगे है इसमें, और नासा ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। तो ये तो अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ये टेक्निक पूरा रिकॉग्नाइज हो गई है, अभी यहाँ पे नहीं किया नहीं है भारत में, लेकिन ये समझ अभी तो सुनने को नहीं आया है फिलहाल, लेकिन स्टडीज बहुत हो गई है। तो ये अब ये समझ लीजिए मॉडर्न टेक्निक जो है पूरा लोगों को पता हो गया है, जो जियो साइंटिस्ट हैं उनको भी पता है, जो इस पे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि अभी ये यूजिंग दी सैटेलाइट इट्स वेरी इजी टू डिटेक्ट दी बल्जिंग ऑफ द सरफेस, डिप्स ऑफ द सरफेस टू मॉनिटर द अर्थक्वेक। भारत के लिए जरूरी है कि नहीं, भारत को भी बनाना चाहिए ऐसा सेटेलाइट? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो काम बहुत हो रहा है, वो ऑलरेडी हमारे साइंटिस्ट सब काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी डिस्कवरी भी किया होगा, साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी इस पे कर भी लिया होगा। हाँ, तो ये हमारा भारत इसमें पीछे नहीं है, तो इसमें भी आप ये मत समझिए भारत पीछे नहीं है, भारत में ऐसी बहुत सारी स्टडीज हो रही है। ओके सर, थैंक यू।